हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और इन दोनों में कंपैरिजन भी करेंगे, इनका डिफरेंस भी देखेंगे, क्या डिफरेंस होता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेट द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इन फॉर्म ऑफ द डेसिमल नंबर। तो जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है वो बेसिकली इंडिकेट करता है, जो भी मेजरमेंट करता है वो उसकी जो वैल्यू होगा वो डेसिमल नंबर में होता है। ठीक है, 0 से 9 तक इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। तो इस फॉर्म में रहेगा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का, जो हम जो मेजरमेंट करेगा उसकी जो वैल्यू होगा वो डिजिटल फॉर्म वो डेसिमल नंबर में होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, द डिजिटल मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। तो जो डिजिटल मीटर होता है वो क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कार्य करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होता है। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स डिस्प्ले द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंटर। तो जो भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होगा उसके द्वारा हम जो मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी वो एक पॉइंटर होगा, उसके डिफ्लेक्शन के आधार पे होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पॉइंटर है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा और इधर डिफ्लेक्ट होगा, तो इसके आधार पे जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग कहेंगे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होगा क्या कि पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, और इसके द्वारा हम लोग मेजरमेंट करेंगे किसी भी वैल्यू को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है, डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट है उसका एडवांटेज क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इंडिकेट्स द रीडिंग डायरेक्टली इन द डेसिमल नंबर। ठीक है, तो जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है वो डायरेक्टली डेसिमल नंबर में वैल्यू देता है, रीडिंग देता है। Therefore, errors on the account of human factor are eliminated. तो इस कारण से जो भी ऑब्जर्वेशन में जो इरर आता है, ठीक है, उसको एलिमिनेट कर देता है, उसको कम कर देता है, उसको समाप्त कर देता है। ठीक है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, जब भी हम लोग किसी वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें जो इरर आता है उसको समाप्त करने का कार्य करता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, उसको समाप्त कर देता है। ठीक है, यह होता है इसका पहला एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज क्या है, पावर रिक्वायरमेंट लेस होता है। अगर हम लोग बात करें एनालॉग की तो उसमें पावर रिक्वायरमेंट अधिक होगा, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसमें जो पावर रिक्वायरमेंट होगा वो लेस होगा। थर्ड पॉइंट, आउटपुट इज डायरेक्टली फिट टू मेमोरी। तो जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का आउटपुट आएगा वो डिजिटल फॉर्म में आएगा, डेसिमल नंबर में आएगा, तो इसको हम लोग डायरेक्टली मेमोरी में फीड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होगा उसका जो आउटपुट आएगा वो डिजिटल फॉर्म में आएगा, इसलिए इसको मेमोरी में हम लोग सीधे फीड कर सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हुआ, कंप्यूटर हुआ, इन सब में हम लोग फीड कर सकते हैं इसके आउटपुट को। अगला पॉइंट, इसका जो साइज होता है कॉम्पैक्ट होता है, लो कॉस्ट होता है, पोर्टेबल, लॉन्ग लाइफ। तो जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है उसका साइज लेस होता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट होता है, छोटा होता है, लो कॉस्ट, कॉस्टली भी कम होता है जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है। बेसिकली अगर बात करें हम लोग तो इसका जो कॉस्ट होगा वो भी लो होगा, और जो पोर्टेबल लॉन्ग लाइफ, ज्यादा समय तक चल सकेगा किसकी अपेक्षा, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की अपेक्षा। और अगला पॉइंट, The reading is carried to any numbers to significant figure. तो जो भी जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है उसका जो रीडिंग होगा वो सिग्निफिकेंट नंबर में रीडिंग देगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट, कंपेरिजन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या समानताएं होती हैं, इसके बारे में हम लोग कंपेरिजन करेंगे दोनों में। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहला ब्लॉक कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा ब्लॉक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, तीसरा ब्लॉक इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्यूरेसी। तो जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी जो मैक्सिमम एक्यूरेसी होती है वो फुल स्केल की प्लस माइनस 0.1% हो सकती है। ठीक है, तो मान लेते हैं स्केल है
और यहाँ पे है पॉइंटर, ठीक है। तो इसका जो फुल स्केल है, इसकी जो वैल्यू होगी, फुल स्केल की जो वैल्यू होगी, उसकी मैक्सिमम जो एक्यूरेसी होगी वो कितनी होगी, प्लस माइनस 0.1% हो सकती है, इससे कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो एक्यूरेसी होगा प्लस माइनस 0.1% हो सकता है। अगर हम लोग बात करें यही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का, तो इसमें जो मैक्सिमम एक्यूरेसी होता है वो हाई होता है, ठीक है। कितना हो सकता है, प्लस माइनस 0.005% हो सकता है, ठीक है, इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब अगला पॉइंट, पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन क्या होता है कि जो भी पावर उत्सर्जित होती है, जो भी पावर लॉस होती है, उसको बोलते हैं पावर डिसिपेशन। तो जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो पावर डिसिपेशन होता है अधिक होता है, मोर होता है, ठीक है। और जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो पावर डिसिपेशन होता है वो वेरी लेस होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लोडिंग इफेक्ट है। तो जो लोडिंग इफेक्ट होता है वो बेसिकली इनपुट इम्पीडेंस पर डिपेंड करता है। इस कारण से जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है उसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो लेस होता है, कम होता है, जिसके कारण से जो लोडिंग इफेक्ट होता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का वो अधिक होता है, ठीक है। अगर हम लोग यही बात करें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का, तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होगा वो 10 मेगा ओम से कम होने के कारण, तो इतना हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। इस कारण से इसमें जो लोडिंग इफेक्ट होता है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, इसमें लोडिंग इफेक्ट नहीं होता है, नगण्य होता है, ना के बराबर होता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला इसका कैरेक्टरिस्टिक, रिसोल्यूशन। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका जो रिसोल्यूशन होता है वो लेस होता है, और जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो रिसोल्यूशन होता है वो हाई होता है, वेरी हाई होता है, ठीक है। जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कॉस्ट और वेट। तो जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है उसका जो कॉस्ट होता है लेस होता है, ठीक है, लेस कॉस्टली होता है, बट इसका जो वेट होता है वो मोर होता है। और यही बात करें जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का, जो उसका कॉस्ट होगा वो हाई होगा, ठीक है, बट इसका जो वेट होगा वो लेस होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारा जो भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है उसको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ज्यादा जो है इसका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का भी यूज होता है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का भी यूज होता है। और अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रीडिंग रेंज है। कितने रेंज तक दोनों दे सकता है रीडिंग, तो जितना भी नीड होता है उसके अनुसार यहाँ पे रीडिंग दे देता है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जितनी हम लोगों को जरूरत होती है उस रेंज के हिसाब से यहाँ पे जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है वो रीडिंग उपलब्ध कराता है। लेकिन यही बात करें हम लोग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का, तो इसका जो इनपुट वोल्टेज रेंज होता है वो प्लस माइनस 1 वोल्ट से 1000 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक होता है इसका जो इनपुट वोल्टेज रेंज होता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और इन दोनों में कंपैरिजन, ठीक है। अभी भी बहुत सारे जगह पर हम लोग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का यूज भी करते हैं, और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है हम लोग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ज्यादातर यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हम लोग बहुत सारे जगह जैसे इंडस्ट्री में और सारी जगह हम लोग यूज कर रहे हैं, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ज्यादातर यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा इसका एडवांटेज है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की अपेक्षा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।